फाइन आर्ट्स चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज एक बनाएंगे मंकी। तो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, आप वीडियो को पॉज करें, आराम से ड्रॉ करें, उसके बाद स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आउटलाइन पहले करेंगे। ये नाक की लाइन ढक जाएगी, इसलिए पहले से थोड़ा डार्क करके हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन को भी डार्क कर लेंगे थोड़ा, इसके बाद चलाएंगे। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। अब इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा से येलो कलर चला दें इसके ऊपर में। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब करना है ब्लू कलर। ब्लू कलर हम आईज में करेंगे, नीचे की ओर इस जगह पे। इसको आप डार्क ब्राउन से भी कर सकते हो, यहाँ मैंने ब्लू का यूज किया है, ठीक है। पहले ब्राउन, उसके ऊपर येलो कर। हमें ये कलर लेना है, थोड़ा ऑरेंज से लाइट है, ठीक है। इस एरिया को छोड़ देना है, ये वाइट रहेगा, यहाँ पे कलर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते ऊपर से, ऐसे ऐसे करके आपको करनी है। ये होने के बाद में इस पर कलर फिल करना है। इस एरिया में भी करना है, इस तरफ ऐसे ऐसे करना है। अब लेंगे हम येलो ऑकर या ऑकर येलो, कुछ भी बोल दीजिए। कहीं कहीं पे इसे डार्क डार्क चलाएंगे ऐसे। सामने की तरफ डार्क, दूर की तरफ लाइट। इसके बाद ब्राउन लेंगे। ब्राउन से ये इसी के ऊपर कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा टच करेंगे ऐसे, थोड़ा थोड़ा डार्क कर देना है। अंदर की तरफ छोटी छोटी पतली पतली लाइन ऐसे करना है, इस तरह से करना है। इसको थोड़ा डार्क करेंगे कान के एरिया को, डायरेक्ट ब्लैक नहीं लगाते हैं, पहले ब्राउन लगा के, कोई भी डार्क कलर लगा के फिर इसके ऊपर ब्लैक चलाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम जब काम करोगे आप खुद जान जाओगे क्यों हम डायरेक्ट ब्लैक का यूज नहीं करते हैं। सिमिलरली फेस पे भी करेंगे उसी तरह से, बिल्कुल कहीं कहीं पे करना है, ठीक है। तो आईज के सामने पहले मैं स्टार्ट करता हूँ।
लाइट लाइट करना है, एक बार में डार्क नहीं लगाना है, लाइट लाइट पहले करना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हल्के इसके ऊपर चलाओगे अपने आप ये मर्ज हो जाएगा। अब आईज में थोड़ा ब्लू के ऊपर में मैं ब्लैक से करूंगा। इस व्हाइट स्पेस में थोड़ा थोड़ा ब्लू टच कर देंगे ऐसे। उसके बाद लाइट ग्रीन लेंगे और लाइट ग्रीन से बैकग्राउंड करेंगे, इस तरह से पहले कर देंगे। डार्क ग्रीन से इसके ऊपर ऊपर चलाएंगे थोड़ा थोड़ा। मैंने जैसे पहले आपको सिखाया था फिंगर से इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कलर से भी हो सकता है लेकिन इसमें ज़्यादा स्मूथ होगा, ठीक है। ये ना एक टेक्निक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कलर से भी कर सकते हो। स्क्रैचर से इस तरह से हम स्क्रैच करेंगे। स्क्रैचर से पतले पतले इस तरह से उनका हेयर को ऐसे से निकालना है।
हाँ लगता है आपको थोड़ा डार्क करा जाए, आप कर सकते हो थोड़ा डेप्थ निकालने के लिए। पूरा ना स्मच करते ही है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से आप आराम आराम से बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा पर बन जाएगा। तो एक कॉम्पोजिशन रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।